आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ प्याज और आलू के पकौड़े। इसका वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूट्यूब पे वायरल हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। तो चलिए बनाते हैं। तो उसके लिए ले लीजिए आलू। आलू को मैंने बॉईल किया है और उसके बाद इस अच्छी तरीके से मैश कर लीजिए। उसके बाद अदरक लहसुन मिर्चा को ग्राइंड कर लीजिए मिक्सर जार में। अब इसके बाद तेल गर्म होने दीजिए। उसके बाद आधी छोटी चम्मच जीरा, एक प्याज काट के डाल देंगे और अदरक लहसुन मिर्चा का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद बॉयल आलू को डाल के अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छे तरीके से मसाले मिक्स करने के बाद इसको हम एक थाली में निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब इसके बाद हम ले लेंगे बेसन, उसमें डाल देंगे हल्दी, नमक और जीरा। अच्छी तरीके से हम इसको घोल बना लेंगे। एक बहुत ज़्यादा हमें इसको पतला भी नहीं करना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। तो अच्छी तरीके से मैंने एक घोल बना लिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे प्याज। प्याज को ऐसे कट कर लेना है और ऊपर का हिस्सा जो है निकाल देना है। अब इसी तरीके से देख लीजिए प्याज के जो है इसका छिलका एक एक करके निकालते जाना है। देख लीजिए इसी तरीके से एक एक निकालते जाइए। तो आप भी बताओ कि आप तो इसी तरीके से निकालते जाइए। तो आप कमेंट करके बताओ कि नई नई रेसिपी बनाना किसको बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देख लीजिए मैंने सभी प्याज के छिल जो है स्लाइसेस निकाल लिए हैं। अब इसके बाद अब हम लेंगे आलू का मसाला और प्याज में हम भर देंगे। इसी तरीके से हाथों से भरते जाइएगा। मसाला भरने के बाद उसके बाद आपको दूसरे प्याज के स्लाइस लेने हैं और उसको इसको ऐसे करके बंद कर देना है। देख लीजिए ऐसे बंद कर दीजिए और आप इसमें छोटा बड़ा जैसा जिस हिसाब से है उस हिसाब से इसमें बंद करिएगा। इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसानी था, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से प्याज को मसाले में भर देना है। तो प्याज मसाले को मैंने प्याज में अच्छी तरीके से भर दिया है, तो देख लीजिए। अब इसके बाद हम डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा। तो आपको बेकिंग सोडा थोड़ा सा चुटकी भर डालिएगा, मेरा जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। अब इसके बाद आपको तेल गर्म होने देना है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसको प्याज को एक एक करके इसे बेसन में डिप करके तेल में डालते जाइएगा। एक एक करके इसे डाल दीजिए और इसको दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए अच्छी तरीके से। अब इसके बाद हम दूसरी साइड इसे पलट देंगे पकने के लिए। तो आप इसको गैस कम करके पकाइएगा ताकि जो प्याज है अंदर वो अच्छी तरीके से पक जाए, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से पका लीजिए। उसके बाद छान लीजिए एक बर्तन में, एक प्लेट में निकाल लीजिए। अब इसके बाद एक प्लेट में निकाल देंगे। अब इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इसके बाद आप चाहे तो हरी चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो मैंने इसको टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। तो गर्म गर्म खाइए और बनाइए। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये नई रेसिपी। तो अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। देख लीजिए आलू कितना अंदर है, देख लीजिए। अब इसके बाद टमाटो केचप के साथ इसको खाइए और मज़े कीजिए और मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए।